हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। इस वीडियो में हम मैथमेटिकल लॉजिक चैप्टर की फोर्थ एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले, अगर अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकॉन फॉर लेटेस्ट अपडेट। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर वन, यूजिंग द रूल ऑफ निगेशन, राइट द निगेशन ऑफ फॉलोइंग विद जस्टिफिकेशन। सो हमें यहाँ पर इनके निगेशन फाइंड करना है और साथ में जस्टिफाई भी करना है। ओके, सो सॉल्यूशन, निगेशन ऑफ निगेशन क्यू इम्प्लाइज पी। ओके, अब वैसे तो हमें निगेशन ऑफ कंपाउंड स्टेटमेंट पता है, हम डायरेक्टली कर सकते हैं, बट हमें जस्टिफिकेशन भी देना है तो हमें लॉस का यूज करना होगा। ये जो आप टेबल देख रहे हैं अलजेब्रा ऑफ स्टेटमेंट का, आप इन इस टेबल के हर एक लॉ को आप यूज़ कर सकते हैं जस्टिफाई करने के लिए। ओके, जैसे कि हमारे पास क्वेश्चन में इम्प्लीकेशन दिया हुआ है साइन, सो इम्प्लीकेशन के लिए डायरेक्ट कोई निगेशन यहाँ पे नहीं है। हमें निगेशन करने के लिए हमारे पास डी मॉर्गन्स लॉ है, जो कि निगेशन कंपाउंड स्टेटमेंट का कर रहा है कंजंक्शन और डिसजंक्शन फॉर्म का। ओके, सो हम पहले क्या करेंगे, हम पहले कंडीशन लॉ ऑपरेट करके इम्प्लीकेशन साइन को डिसजंक्शन में कन्वर्ट करेंगे, फिर बाद में हम डी मॉर्गन्स लॉ का यूज़ करके उसका निगेशन फाइंड आउट करेंगे। ओके, सो कंडीशनल लॉ क्या है, इम्प्लाइज पी इम्प्लाइज क्यू इज इक्वेलेंस टू निगेशन पी डिसजंक्शन क्यू। ओके, सो फर्स्ट वाले को निगेशन ऑपरेट हो रहा है, सेकंड वाला एज इट इज है, ठीक है, और बीच में जो है कनेक्टिव वो डिसजंक्शन है। ओके, सो हम कंडीशनल लॉ का यूज़ करेंगे यहाँ पे। सो ये हो जाएगा निगेशन ऑफ निगेशन क्यू निगेशन ऑफ निगेशन क्यू डिसजंक्शन पी। ओके, बाय कंडीशनल लॉ। ओके, दैट इज इक्विवेलेंस टू निगेशन ऑफ, हमें पता है निगेशन निगेशन कैंसल क्यू कंजंक्शन पी। सो अब यहाँ पे हम डी मॉर्गन्स लॉ का यूज कर सकते हैं, दैट इज इक्विवेलेंस टू, सो डी मॉर्गन्स लॉ को जिस तरह से निगेशन पी डिसजंक्शन क्यू का निगेशन पी कंजंक्शन निगेशन क्यू, यानी दोनों को निगेशन ऑपरेट करना है। ओके, सो यहाँ पे हम लिख देंगे निगेशन क्यू कंजंक्शन निगेशन पी बाय डी मॉर्गन्स लॉ। ओके, सो विच इज अवर रिक्वायर्ड निगेशन। द नेक्स्ट क्वेश्चन, सो सेकंड पी एन निगेशन क्यू, हमें इसका निगेशन करना है निगेशन ऑफ पी कंजंक्शन निगेशन क्यू। सो कंजंक्शन के लिए हमें पास डी मॉर्गन्स लॉ है, बस वही लॉ यहाँ पे भी ऑपरेट करेंगे हम, दैट इज इक्विवेलेंस टू, क्या है, दोनों पे हमें निगेशन ऑपरेट करना है और कंजंक्शन को डिसजंक्शन में कन्वर्ट करना है। ओके, सो ये हो जाएंगे निगेशन पी डिसजंक्शन निगेशन ऑफ निगेशन क्यू बाय डी मॉर्गन्स लॉ। ओके, देन दैट इज इक्विवेलेंस टू निगेशन पी डिसजंक्शन, सो यहाँ पे निगेशन ऑफ निगेशन कैंसिल हो जाएगा, बस क्यू बचेगा, सो विच इज अवर रिक्वायर्ड निगेशन। देन नेक्स्ट, नाउ थर्ड पी डिसजंक्शन निगेशन क्यू, सो इसका हमें निगेशन करना है निगेशन ऑफ पी डिसजंक्शन निगेशन क्यू। सो यहाँ पे डिसजंक्शन है तो हम यहाँ पे भी डी मॉर्गन्स लॉ यूज़ करेंगे, जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं डी मॉर्गन्स लॉ, डिसजंक्शन के लिए निगेशन ऑपरेट करने पे क्या हो जाएगा, निगेशन पी कंजंक्शन निगेशन क्यू, दोनों को निगेशन ऑपरेट होगा और ये डिसजंक्शन कंजंक्शन में कन्वर्ट हो जाएगा। ओके, सो हम यहाँ पे लिख सकते हैं निगेशन ऑफ पी कंजंक्शन निगेशन ऑफ निगेशन क्यू। ओके, बाय डी मॉर्गन्स लॉ। ओके, दैट इज इक्विवेलेंस टू निगेशन पी कंजंक्शन निगेशन निगेशन कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ क्यू बचेगा। ओके, सो विच इज अवर रिक्वायर्ड निगेशन। देन नेक्स्ट, नाउ फोर्थ पी डिसजंक्शन ऑफ निगेशन क्यू कंजंक्शन आर। ओके,
सो हमें यहाँ इसका निगेशन करना है, निगेशन ऑफ पी डिसजंक्शन निगेशन क्यू कंजंक्शन आर। ओके सो पहले तो हम इस कंजंक्शन का निगेशन करेंगे बाय यूजिंग डी मॉर्गन्स लॉ। ओके दैट इज इक्विवेलेंस टू निगेशन, दोनों पे निगेशन ऑपरेट होगा और जो कंजंक्शन है वो डिसजंक्शन में कन्वर्ट हो जाएंगे, ठीक है, बाय डी मॉर्गन्स लॉ। तो ये हो जाएगा निगेशन ऑफ पी डिसजंक्शन निगेशन क्यू डिसजंक्शन निगेशन आर। ओके बाय डी मॉर्गन्स लॉ। देखिए यहाँ पे हमें लॉ का नाम लिखना ज़रूरी है क्योंकि हमें क्वेश्चन में स्पेशली दिया हुआ है कि जस्टिफिकेशन भी करना है। ओके सो अब देखो यहाँ पे सॉल्व हो गया, अब यहाँ पे एक कंपाउंड स्टेटमेंट और है पी डिसजंक्शन ऑफ निगेशन क्यू, इसका भी निगेशन करना है हमें। सो यहाँ पे हम फिर से डी मॉर्गन्स लॉ का यूज़ करेंगे तो ये हो जाएगा निगेशन पी कंजंक्शन निगेशन ऑफ निगेशन क्यू और ये एज इट इज़ डिसजंक्शन निगेशन आर बाय डी मॉर्गन्स लॉ। ओके सो दैट इज इक्विवेलेंस टू निगेशन पी कंजंक्शन निगेशन निगेशन कैंसिल हो जाएगा डिसजंक्शन निगेशन आर, सो विच इज़ अवर रिक्वायर्ड निगेशन। देन नेक्स्ट सो फिफ्थ वन पी इम्प्लाइज पी डिसजंक्शन निगेशन क्यू। ओके सो हमें इस पर निगेशन ऑपरेट करना है, निगेशन पी इम्प्लाइज पी डिसजंक्शन निगेशन क्यू। सो अब हमारे पास जितने भी लॉस गिवन है, ठीक है, अब लॉस में निगेशन के लिए सिर्फ एक ही है डी मॉर्गन्स लॉ जिसमें हम निगेशन कर रहे हैं, ठीक है, और यहाँ पे निगेशन सिर्फ कंजंक्शन और डिसजंक्शन का होकर है, ठीक है, इम्प्लीकेशन का कहीं पे भी निगेशन नहीं है। सो अब हमारे पास जो इम्प्लीकेशन है उसे हमें चेंज करना होगा, सो हम इम्प्लीकेशन चेंज करेंगे बाय यूजिंग कंडीशनल लॉ। ओके क्या है, निगेशन पी डिसजंक्शन क्यू। ओके तो इस तरह से हमें चेंज करना होगा, ठीक है, सो ये हो जाएगा दैट इज इक्विवेलेंस टू निगेशन पी डिसजंक्शन और सेकंड स्टेटमेंट एज इट इज था तो ये भी रह जाएगा एज इट इज पी डिसजंक्शन निगेशन क्यू। ओके ये बाहर का निगेशन एज इट इज लिख देंगे हम बाय कंडीशनल लॉ दैट इज इक्विवेलेंस टू। अब देखो अब यहाँ पे डिसजंक्शन है सो अब इसका हम निगेशन कर सकते हैं बाय यूजिंग डी मॉर्गन्स लॉ। डी मॉर्गन्स लॉ क्या है, निगेशन ऑफ पी डिसजंक्शन क्यू का निगेशन पी कंजंक्शन निगेशन क्यू। ओके सो इस तरह से हम निगेशन करेंगे दैट इज निगेशन ऑफ निगेशन पी डिसजंक्शन कन्वर्ट हो जाएगा कंजंक्शन में निगेशन ऑफ पी डिसजंक्शन निगेशन क्यू बाय डी मॉर्गन्स लॉ। ओके दैट इज इक्विवेलेंस टू निगेशन निगेशन कैंसिल हो जाएगा पी कंजंक्शन, अब हम यहाँ पे फिर से डी मॉर्गन्स लॉ का यूज़ करेंगे सो निगेशन पी डिसजंक्शन है तो कंजंक्शन में कन्वर्ट हो जाएगा निगेशन ऑफ निगेशन क्यू। ओके बाय डी मॉर्गन्स लॉ सो दैट इज इक्विवेलेंस टू पी कंजंक्शन निगेशन पी कंजंक्शन निगेशन निगेशन कैंसिल हो जाएगा सिर्फ क्यू बचेगा, ठीक है, विच इज़ अवर रिक्वायर्ड निगेशन। चाहे तो आप यहाँ पे ब्रैकेट दे भी सकते हैं चाहे तो नहीं भी दे सकते। ओके नाउ सिक्स नेक्स्ट सॉल्यूशन, इसके ऊपर हमें निगेशन ऑपरेट करना है सो निगेशन ऑफ निगेशन पी कंजंक्शन क्यू डिसकंजंक्शन पी डिसकंजंक्शन ऑफ निगेशन क्यू। ओके सो दैट इज इक्विवेलेंस टू हम यहाँ पे डी मॉर्गन्स लॉ यूज़ करेंगे, डिसजंक्शन निगेशन में कंजंक्शन में कन्वर्ट हो जाएगा और ये निगेशन दोनों के ऊपर ऑपरेट हो जाएगा। ओके सो निगेशन ऑफ निगेशन पी कंजंक्शन क्यू कंजंक्शन निगेशन ऑफ पी डिसजंक्शन निगेशन क्यू। ओके बाय डी मॉर्गन्स लॉ सो दैट इज इक्विवेलेंस टू, अब ये निगेशन निगेशन कैंसिल हो जाएगा बस P
पी कंजंक्शन क्यू एज इट इज रह जाएगा। ओके देन कंजंक्शन, अब ये निगेशन हम इसके ऊपर ऑपरेट करेंगे बाय यूजिंग डी मॉर्गन्स लॉ, तो ये हो जाएगा निगेशन पी, डिसजंक्शन कंजंक्शन में कन्वर्ट हो जाएगा, देन निगेशन ऑफ निगेशन क्यू, ओके बाय डी मॉर्गन्स लॉ। सो दैट इज इक्विवेलेंस टू पी कंजंक्शन क्यू कंजंक्शन निगेशन पी कंजंक्शन निगेशन निगेशन कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ क्यू बचेगा। ओके सो विच इज अवर रिक्वायर्ड आंसर, चाहे तो आप इसी भी ब्रैकेट में डाल सकते हैं। देन नेक्स्ट नाउ सेवन्थ, सो इसके ऊपर हमें निगेशन ऑपरेट करना है, दैट इज निगेशन ऑफ पी डिसजंक्शन निगेशन क्यू इम्प्लाइज पी कंजंक्शन निगेशन क्यू। सो हमें पता है कि इम्प्लीकेशन साइन के ऊपर निगेशन हम ऑपरेट नहीं कर सकते, तो हमें इसे चेंज करना होगा बाय यूजिंग कंडीशनल लॉ। सो कंडीशनल लॉ का यूज़ करिए हम पी इम्प्लाइज क्यू को चेंज करेंगे निगेशन पी डिसजंक्शन क्यू में, ठीक है। सो फर्स्ट वाले को निगेशन ऑपरेट करना है, सेकंड एज इट इज लिखना है। ओके तो ये हो जाएगा दैट इज इक्विवेलेंस टू निगेशन पी डिसजंक्शन निगेशन क्यू कंजंक्शन पी कंजंक्शन निगेशन क्यू। सो यह हमने बस इसे कंडीशनल लॉ करके इम्प्लीकेशन को यहाँ पे डिसजंक्शन आएंगे, ठीक है, डिसजंक्शन में से कन्वर्ट किया, ठीक है। अभी हमने निगेशन ऑपरेट नहीं किया तो ये एज इट इज रहेगा। ओके बाय कंडीशनल लॉ, ओके दैट इज इक्विवेलेंस टू, अब हम इस डिसजंक्शन पे निगेशन ऑपरेट कर सकते हैं बाय यूजिंग डी मॉर्गन्स लॉ, जैसे कि आपको यहाँ पे दिख रहा है डी मॉर्गन्स लॉ, निगेशन ऑपरेट कर सकते हैं हम पी डिसजंक्शन क्यू पे, तो इस तरह से हमारी वैल्यू आ जाएंगी। सो ये हो जाएगा निगेशन ऑफ निगेशन पी डिसजंक्शन निगेशन क्यू, ये कन्वर्ट हो जाएगा कंजंक्शन में निगेशन ऑफ पी कंजंक्शन निगेशन क्यू, ओके बाय डी मॉर्गन्स लॉ। ओके दैट इज इक्विवेलेंस टू, सो यहाँ पे निगेशन निगेशन कैंसिल हो जाएगा, रिमेनिंग पी सॉरी डिस जंक्शन निगेशन क्यू कंजंक्शन, अब हम यहाँ पे फिर से निगेशन ऑपरेट करेंगे बाय यूजिंग डी मॉर्गन्स लॉ, ठीक है, कंजंक्शन डिसजंक्शन में कन्वर्ट हो जाएगा, दैट इज निगेशन पी डिसजंक्शन निगेशन ऑफ निगेशन क्यू, ठीक है, बाय डी मॉर्गन्स लॉ। ओके दैट इज इक्विवेलेंस टू पी डिसजंक्शन निगेशन क्यू कंजंक्शन निगेशन पी डिसजंक्शन निगेशन निगेशन कैंसिल हो जाएगा। ओके चाहे तो आप यहाँ तक रख सकते हैं, चाहे तो इसे ब्रैकेट भी दे सकते हो। ओके सो विच इज अवर रिक्वायर्ड निगेशन। देन नेक्स्ट नाउ एट, इसके ऊपर हमें निगेशन ऑपरेट करना है, सॉल्यूशन निगेशन ऑफ निगेशन पी डिसजंक्शन निगेशन क्यू डिसजंक्शन पी कंजंक्शन निगेशन क्यू। ओके दैट इज इक्विवेलेंस टू डिसजंक्शन है, हम डी मॉर्गन्स लॉ का यूज करेंगे, दैट इज निगेशन ऑफ निगेशन पी डिसजंक्शन निगेशन क्यू कंजंक्शन निगेशन ऑफ पी कंजंक्शन निगेशन क्यू बाय डी मॉर्गन्स लॉ। ओके सो दैट इज इक्विवेलेंस टू, अब हम यहाँ पे फिर से निगेशन डी मॉर्गन्स लॉ यूज करके इस ब्रैकेट को निगेशन ऑपरेट करेंगे, दैट इज निगेशन ऑफ निगेशन पी कंजंक्शन निगेशन ऑफ निगेशन क्यू अगेन कंजंक्शन, फिर यहाँ पे भी हमें डी मॉर्गन्स लॉ यूज करना है, सो ये हो जाएगा निगेशन पी कंजंक्शन निगेशन सॉरी कंजंक्शन डिसजंक्शन में कन्वर्ट हो जाएगा निगेशन ऑफ निगेशन क्यू, ओके बाय डी मॉर्गन्स लॉ। ओके दैट इज इक्विवेलेंस टू, सो निगेशन निगेशन कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ पी बचेगा, कंजंक्शन ये भी यहाँ पे सिर्फ क्यू बचेगा, कंजंक्शन निगेशन पी डिसजंक्शन ये निगेशन कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे बचेगा सिर्फ क्यू। ओके सो विच इज अवर रिक्वायर्ड आंसर,
देन नेक्स्ट, नाउ क्वेश्चन नंबर टू, रीराइट द फॉलोइंग स्टेटमेंट विदाउट यूजिंग इफ देन. सो यहाँ से स्टेटमेंट गिवन है, हमें इसमें यहाँ से इफ और देन रिमूव करना है. ओके, इफ अ मैन इज अ जज देन ही इज ऑनेस्ट. सो हम कंसिडर करते हैं पी इज अ स्टेटमेंट, अ मैन इज अ जज. ओके, एंड क्यू इज अ स्टेटमेंट, ही इज ऑनेस्ट. ओके, सो सिंबॉलिक फॉर्म इज पी इम्प्लाइज क्यू. ठीक है, सो सिंस वी नो दैट, हमें पता है कि हम पी इम्प्लाइज क्यू को लिख सकते हैं निगेशन पी डिसजंक्शन क्यू बाय यूजिंग कंडीशनल लॉ. ओके, यहाँ पे हमारे पास गिवन है कंडीशनल लॉ, पी इम्प्लाइज क्यू इज इक्वेलेंस टू निगेशन पी डिसजंक्शन क्यू. ओके, सो वही हमने लिखा है. ठीक है, हेंस आवर स्टेटमेंट, वी कैन राइट आवर स्टेटमेंट निगेशन पी दैट इज अ मैन, निगेशन है तो इज नॉट अ जज. ओके, और क्यू दैट इज ही इज ऑनेस्ट, ही इज ऑनेस्ट. ओके, सो यहाँ से हमने इफ और देन को रिमूव कर दिया है. सो नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ टू इज रैशनल नंबर देन अंडर रूट टू इज इरैशनल नंबर. ओके, सो सॉल्यूशन, लेट पी इज अ स्टेटमेंट, टू इज रैशनल नंबर एंड क्यू इज अ स्टेटमेंट, अंडर रूट टू इज इरैशनल नंबर. ओके, सो इसका सिंबॉलिक फॉर्म हो जाएगा p इम्प्लाइज q, और हमें पता है कि इसे हम कन्वर्ट कर सकते हैं निगेशन p डिसजंक्शन q में बाय कंडीशनल लॉ. ओके, सो आवर स्टेटमेंट बिकम्स, देयरफॉर वी कैन राइट टू इज, निगेशन लगाना है तो टू इज नॉट अ रैशनल नंबर और अंडर टू इज इरैशनल नंबर. ओके, देन नेक्स्ट थर्ड वन, क्या है इफ एफ ऑफ टू इज इक्वल टू जीरो देन एफ ऑफ एक्स इज डिविजिबल बाय एक्स माइनस टू. देन सो लेट पी इज ए स्टेटमेंट, एफ ऑफ टू इज इक्वल टू जीरो एंड क्यू इज ए स्टेटमेंट, एफ ऑफ एक्स इज डिविजिबल बाय x माइनस टू. सो इट्स सिंबॉलिक फॉर्म इज p इम्प्लाइज q, वी कैन राइट इट एज निगेशन p डिसजंक्शन q बाय कंडीशनल लॉ. ओके, हेंस आवर स्टेटमेंट बिकम्स निगेशन p दैट इज f ऑफ टू इज नॉट इक्वल टू जीरो और डिसजंक्शन है एफ ऑफ एक्स इज डिविजिबल बाय एक्स माइनस टू. ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर थ्री, विदाउट यूजिंग ट्रूथ टेबल प्रूव द फॉलोइंग. सो ये हमें प्रूव करना है विदाउट यूजिंग ट्रूथ टेबल. सो हम यहाँ पे लॉस का यूज़ करेंगे, हमारे पास डिफरेंस लॉ है उनका यूज़ करेंगे. ठीक है, सो सॉल्यूशन, P by conditional Q that is equivalence to, अब by conditional है. ठीक है, तो हम यहाँ पे by conditional law यूज़ कर सकते हैं, by conditional law है P by conditional law Q.
सो हम ये वाली टर्म भी लिख सकते हैं, हम ये वाली टर्म भी लिख सकते हैं, हम ये फाइनल वाली टर्म्स लिखेंगे, ठीक है। निगेशन पी डिजंक्शन क्यू, कंजंक्शन निगेशन क्यू डिजंक्शन पी, ओके। सो हम यहाँ पे लिखेंगे निगेशन पी डिजंक्शन क्यू, कंजंक्शन निगेशन क्यू डिजंक्शन पी, ओके। और यहाँ पे लिख देंगे हम बाय कंडीशनल लॉ, ओके। दैट इज इक्विवेलेंस टू, अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, अब हम यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ यूज़ करेंगे, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ कुछ इस तरह से ऑपरेट होता है, जैसे आप यहाँ पे देख रहे होंगे डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, पी कंजंक्शन ऑफ क्यू डिजंक्शन आर। सो इसे हमने लिखे पी कंजंक्शन क्यू और पी कंजंक्शन आर, ठीक है। इस तरह से हम सेपरेट करें, इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं या फिर इस तरह से डिजंक्शन को भी कर सकते हैं, ओके। तो हम इसका रूल का, इस रूल का हम यहाँ पे यूज़ करेंगे, ओके। सो हम यहाँ पे लिख देंगे, हम कंसिडर करेंगे कि ये दो सेपरेट स्टेटमेंट है पी एंड क्यू, और ये एक सिंगल स्टेटमेंट है, ओके। तो इसका कुछ इस तरह से हो जाएगा निगेशन पी कंजंक्शन निगेशन क्यू डिसजंक्शन पी, ओके। डिसजंक्शन क्यू कंजंक्शन निगेशन क्यू डिसजंक्शन पी, ओके, बाय डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ दैट इज इक्विवेलेंस टू। अब फिर से हम यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ यूज करेंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा निगेशन पी कंजंक्शन निगेशन क्यू डिसजंक्शन निगेशन पी कंजंक्शन पी, ठीक है। इसको हमने इससे ऑपरेट करा और इसको हमने फिर पी से भी ऑपरेट करा है, ओके। और यहाँ पे भी उसी तरह से क्यू कंजंक्शन निगेशन क्यू डिसजंक्शन क्यू कंजंक्शन पी, ओके, बाय डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। सो दैट इज इक्विवेलेंस टू, सो यहाँ पे क्या है निगेशन पी कंजंक्शन पी है, ठीक है। और उसी तरह से यहाँ पे क्यू कंजंक्शन निगेशन क्यू है, ठीक है। तो हम यहाँ पे कुछ ये वाला लॉ यूज कर सकते हैं, कॉम्प्लीमेंट लॉ। क्या है पी कंजंक्शन निगेशन पी एफ होता है, ठीक है, और पी डिसजंक्शन निगेशन पी टी होता है, ठीक है। यहाँ पे दोनों भी जगह पे कंजंक्शन है, ठीक है। यहाँ पे भी कंजंक्शन है, यहाँ पे भी कंजंक्शन है, यहाँ पी एन निगेशन क्यू है, निगेशन पी है, और यहाँ पे क्यू एन निगेशन क्यू है, ठीक है। तो इन दोनों की जगह पे हम एफ की वैल्यू पुट कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे आपको दिख रहा है एफ, ठीक है। इस तरह से आया तो हम एफ लिख सकते हैं, तो हम यहाँ पे एफ लिखेंगे, ठीक है। सो दैट इज इक्विवेलेंस टू निगेशन पी कंजंक्शन निगेशन क्यू डिसजंक्शन एफ, देन डिसजंक्शन यहाँ पे आ जाएगा एफ डिसजंक्शन क्यू कंजंक्शन पी, ओके, बाय कॉम्प्लीमेंट लॉ, ओके। दैट इज इक्विवेलेंस टू, अगेन हम यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट लॉ यूज कर सकते हैं, नहीं कॉम्प्लीमेंट लॉ के ऊपर आइडेंटिटी लॉ है, हम इसका यूज करेंगे। क्या है पी डिसजंक्शन एफ इज इक्वेलेंस टू पी होता है, ठीक है। तो हमारे पास ये स्टेटमेंट है डिसजंक्शन एफ है, ठीक है। तो इसकी जगह पे सिर्फ ये स्टेटमेंट आ जाएगा, और उसी तरह भी यहाँ पे डिसजंक्शन एफ है तो इसकी जगह पे भी ये स्टेटमेंट लिख देंगे हम, ठीक है। सो दैट इज निगेशन पी कंजंक्शन निगेशन क्यू, ये वैनिश हो जाएगा निगेशन एफ डिसजंक्शन एफ, ओके। ये आ जाएगा डिसजंक्शन, और यहाँ से ये एफ वैनिश हो जाएगा, यहाँ पे बचेंगे सिर्फ क्यू कंजंक्शन पी, ओके, बाय आइडेंटिटी लॉ, ओके। सो दैट इज इक्विवेलेंस टू, हमें चाहिए पी एंड निगेशन क्यू, ठीक है। हम इसे पहले और इसे बाद में लिख सकते हैं, सॉरी, यहाँ पे क्यू कंजंक्शन पी डिसजंक्शन निगेशन पी कंजंक्शन निगेशन क्यू, ओके, ठीक है। ये आगे पीछे करने वाला जो लॉ है, ठीक है, उसे हम कहते हैं कम्यूटेटिव लॉ।
ठीक है। अगेन हमें यहाँ पे चाहिए, पहले पी चाहिए तो हम ले लेंगे पी कंजंक्शन क्यू, डिसजंक्शन निगेशन पी, कंजंक्शन निगेशन क्यू, ठीक है। अगेन हम लिख देंगे कम्यूटेटिव लॉ। सो विच इज़ अवर रिक्वायर्ड आंसर, हेंस प्रूव्ड। ओके, सो इस तरह से हमने सॉल्व किया है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकंड, पी डिसजंक्शन क्यू कंजंक्शन पी डिसजंक्शन ऑफ निगेशन क्यू इज इक्विवेलेंस टू पी। सो हमें ये प्रूफ करना है। हम लेफ्ट हैंड साइड लेंगे पी डिसजंक्शन क्यू कंजंक्शन ऑफ पी डिसजंक्शन निगेशन क्यू। सो यहाँ पे हम सबसे पहले डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ यूज़ करेंगे। कंसिडर करो कि ये दो स्टेटमेंट है डिफरेंट और ये एक सिंगल स्टेटमेंट है। सो हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ इस तरह से ऑपरेट होगा, पी कंजंक्शन पी डिसकंजंक्शन ऑफ निगेशन क्यू। ओके, ये पी के सामने हम साथ में हमने ये लिख दिए, फिर बाद में डिसजंक्शन, अब क्यू के साथ में ये लिखेंगे। ओके, क्यू कंजंक्शन पी डिसजंक्शन निगेशन क्यू। ओके, ये हो गया हमारा बाय डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। ओके, दैट इज इक्विवेलेंस टू, हम यहाँ पे अगेन डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑपरेट करेंगे। सो ये हो जाएगा पी कंजंक्शन पी डिसजंक्शन पी कंजंक्शन निगेशन क्यू। ओके, डिसजंक्शन, यहाँ पे फिर से डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ यूज़ करेंगे हम, क्यू कंजंक्शन पी डिसजंक्शन क्यू कंजंक्शन ऑफ निगेशन पी क्यू, सॉरी। ठीक है, यहाँ पे फिर से हमने डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ यूज़ किया है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ दैट इज इक्विवेलेंस टू, अब पी कंजंक्शन पी। ओके, सो हमारा फर्स्ट लॉ है कुछ इस तरह से, पी कंजंक्शन पी, या तो हम उसकी जगह पे पी लिख सकते हैं, एड इम्पोर्टेंट लॉ है हमारा, तो हम वो यूज़ करेंगे यहाँ पे, दैट इज पी डिसजंक्शन, देन पी कंजंक्शन ऑफ निगेशन क्यू डिसजंक्शन। अब यहाँ पे क्यू कंजंक्शन पी डिसजंक्शन, अब यहाँ पे क्यू कंजंक्शन निगेशन क्यू है। ओके, सो यहाँ पे भी हम एक लॉ यूज़ कर सकते हैं, ये वाला लॉ, पी कंजंक्शन निगेशन पी की वैल्यू एफ होती है, यहाँ पे क्या है क्यू कंजंक्शन निगेशन क्यू, तो इसकी वैल्यू एफ हो जाएंगी, यहाँ पे हम लिख देंगे एफ। ओके, सो हमने यहाँ पे एडम्पोटेंट लॉ यूज़ किया है और कॉम्प्लीमेंट लॉ यूज़ किया है। ओके, बाय एडम्पोटेंट एंड कॉम्प्लीमेंट लॉ दैट इज इक्विवेलेंस टू। अब यहाँ पे हमारे पास एक और लॉ है, पी डिसजंक्शन ऑफ पी कंजंक्शन क्यू इज इक्विवेलेंस टू पी। ओके, सो ये जो लॉ है एब्जॉर्प्शन लॉ, हम यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं पी डिसजंक्शन ऑफ पी कंजंक्शन ऑफ निगेशन क्यू। ठीक है, यहाँ पे निगेशन क्यू रहो या निगेशन नहीं रहे तो भी हम यहाँ पे ये लॉ यूज़ कर सकते हैं, तो इसकी जगह पे आ जाएगा सिर्फ पी। सो यहाँ पे हम लिख देंगे पी डिसजंक्शन और एंड यहाँ पे क्यू कंजंक्शन पी डिसजंक्शन एफ। ठीक है, सो यहाँ पे फिर से हमारे पास एक और लॉ है आइडेंटिटी लॉ, तो हम इस आइडेंटिटी लॉ का यूज़ कर सकते हैं, पी डिसजंक्शन और ऑफ पी डिसजंक्शन एफ इज इक्विवेलेंस टू पी होता है। ठीक है, तो इसकी जगह पे हम सिर्फ इतना स्टेटमेंट लिख सकते हैं। ओके, सो ये हो जाएगा क्यू कंजंक्शन पी। ओके, सो बाय फर्स्ट वन एब्जॉर्प्शन लॉ एंड सेकंड वन आइडेंटिटी लॉ। ओके, फिर अगेन यहाँ पे हम एब्जॉर्प्शन लॉ यूज़ कर सकते हैं, पी डिसजंक्शन ऑफ क्यू कंजंक्शन पी। सो पहले तो हम इसे कम्यूटेटिव लॉ करके इंटरचेंज कर लेंगे, तो ये हो जाएगा पी डिसजंक्शन पी कंजंक्शन क्यू
बाय कम्युनिटी लॉ। देन अब यहाँ पे देखो पूरा स्टेटमेंट बन गया है हमारे पास, कहाँ गया, पी डिसजंक्शन पी कंजंक्शन क्यू दैट इज इक्विवेलेंस टू पी, हम लिख सकते हैं बाय यूजिंग एब्जॉर्प्शन लॉ। ओके सो हम यहाँ पे लिख देंगे दैट इज इक्विवेलेंस टू पी बाय एब्जॉर्प्शन लॉ। ओके एंड हेंस प्रूव्ड। ओके देन नेक्स्ट, सो थर्ड पी कंजंक्शन क्यू डिसजंक्शन निगेशन पी कंजंक्शन क्यू डिसजंक्शन पी कंजंक्शन ऑफ निगेशन क्यू इज इक्विवेलेंस टू पी कंजंक्शन क्यू। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड पी कंजंक्शन क्यू डिसजंक्शन निगेशन पी कंजंक्शन क्यू डिसजंक्शन पी कंजंक्शन निगेशन क्यू। ओके सो सबसे पहले हम यहाँ पे एसोसिएटिव लॉ का यूज़ करेंगे सेपरेट करने के लिए, पी कंजंक्शन क्यू डिसजंक्शन इन ब्रैकेट निगेशन पी कंजंक्शन क्यू डिसजंक्शन पी कंजंक्शन निगेशन क्यू। ओके बाय एसोसिएटिव लॉ। ओके सो दैट इज इक्विवेलेंस टू पी कंजंक्शन क्यू डिसजंक्शन। अब हम यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ का यूज़ करेंगे, सो यहाँ पे हो जाएगा निगेशन पी डिसजंक्शन पी कंजंक्शन निगेशन क्यू कंजंक्शन फिर ये कंजंक्शन फिर बाद में क्यू डिसजंक्शन देन सेम पी कंजंक्शन ऑफ निगेशन क्यू। ओके बाय डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। ओके दैट इज इक्विवेलेंस टू पी कंजंक्शन क्यू डिसजंक्शन। हम यहाँ पे अगेन डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ यूज करेंगे, सो ये हो जाएगा निगेशन पी डिसजंक्शन पी कंजंक्शन निगेशन पी कंजंक्शन निगेशन क्यू। ओके एंड कंजंक्शन है यहाँ पे, फिर यहाँ पे अगेन क्यू डिसजंक्शन पी कंजंक्शन क्यू डिसजंक्शन निगेशन क्यू। ओके बाय डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। सो दैट इज इक्विवेलेंस टू पी कंजंक्शन क्यू डिसजंक्शन। अब निगेशन पी डिसजंक्शन पी ये हमारा हमारे पास एक लॉ है, निगेशन पी डिसजंक्शन पी, या इसको पहले लिखो या इसको पहले लिखो, ठीक है, दैट इज इक्विवेलेंस टू टी होता है। ओके तो यहाँ पे हम टी लिख सकते हैं बाय यूजिंग कॉम्प्लीमेंट लॉ। ओके उसी तरह से क्यू डिसजंक्शन निगेशन क्यू है, सो डिसजंक्शन के लिए हम यहाँ पे भी टी का यूज करेंगे। ओके देयरफॉर टी कंजंक्शन निगेशन पी, सॉरी यहाँ पे डिसजंक्शन आना चाहिए था, ठीक है, यहाँ पे डिसजंक्शन हो जाएगा निगेशन पी डिसजंक्शन निगेशन क्यू कंजंक्शन क्यू डिसजंक्शन पी कंजंक्शन टी। ओके बाय कॉम्प्लीमेंट लॉ दैट इज इक्विवेलेंस टू पी कंजंक्शन क्यू डिसजंक्शन। अब यहाँ पे ट्रू है और कंजंक्शन है, ठीक है, हमारे पास एक लॉ है पी कंजंक्शन टी, पी होता है, ठीक है, आइडेंटिटी लॉ है, ठीक है, तो यहाँ पे हम आइडेंटिटी लॉ यूज़ करेंगे और यहाँ पे भी हम आइडेंटिटी लॉ यूज़ करेंगे, तो ये दोनों टी रिमूव हो जाएंगे, बस ये स्टेटमेंट पैटर्न रिमेन हो जाएंगे, रिमेनिंग हो जाएगा। ओके सो निगेशन पी डिसजंक्शन निगेशन क्यू
कंजंक्शन, क्यू डिसजंक्शन पी, ओके, बाय आइडेंटिटी लॉ, दैट इज इक्विवेलेंस टू पी कंजंक्शन क्यू डिसजंक्शन। अब यहाँ पे निगेशन पी डिसजंक्शन निगेशन क्यू, सो यहाँ पे हमारे पास है निगेशन पी डिसजंक्शन निगेशन क्यू, दैट इज इक्विवेलेंस टू निगेशन ऑफ पी कंजंक्शन क्यू। ठीक है, डी मॉर्गन्स लॉ है, हम इस लॉ का यूज़ करेंगे। सो यहाँ पे हम लिख सकते हैं निगेशन ऑफ पी कंजंक्शन क्यू कंजंक्शन क्यू डिसजंक्शन पी, ओके। सो यहाँ पे हम दिख रहा है हमें, यहाँ पे हम फिर से कॉम्प्लीमेंट लॉ यूज़ कर सकते हैं। कॉम्प्लीमेंट लॉ पी डिसजंक्शन निगेशन पी दैट इज इक्वल बैलेंस टू टी, ओके। तो ये सेम स्टेटमेंट पैटर्न है, डिसजंक्शन बीच में डिसजंक्शन है, ठीक है, और बाद में निगेशन है, ठीक है। तो इसकी जगह पे हम लिख लेंगे टी कंजंक्शन क्यू डिसजंक्शन पी, ओके, बाय कॉम्प्लीमेंट लॉ, ओके, अगेन। सो अगेन टी कंजंक्शन स्टेटमेंट पैटर्न है, तो इसकी जगह पे हम सिर्फ स्टेटमेंट लिखते हैं बाय आइडेंटिटी लॉ। सो हमें चाहिए था पी डिसजंक्शन क्यू, हमें हमारे पास है क्यू डिसजंक्शन पी। सो इसको चेंज करने के लिए पी डिसजंक्शन क्यू हम इस तरह से लिख सकते हैं बाय कॉम्पिटिटिव लॉ, ओके। ये हमें प्रूफ करना था, हेंस प्रूव्ड। द नेक्स्ट फोर्थ, निगेशन ऑफ पी डिसजंक्शन निगेशन क्यू इम्प्लाइज पी कंजंक्शन निगेशन क्यू विच इज इक्विवेलेंस टू पी डिसजंक्शन निगेशन क्यू कंजंक्शन निगेशन पी डिसजंक्शन क्यू। सो लेफ्ट हैंड साइड निगेशन ऑफ पी डिसजंक्शन निगेशन क्यू इम्प्लाइज पी कंजंक्शन निगेशन क्यू, ओके। सो हमें पता है निगेशन के हम इम्प्लीकेशन साइन के ऊपर निगेशन ऑपरेट नहीं कर सकते बाय यूजिंग लॉस, तो हमें इससे पहले चेंज करना होगा। सो हम यहाँ पे चेंज करने के लिए कंडीशनल लॉ का यूज़ करेंगे, पी इम्प्लाइज क्यू दैट इज इक्विवेलेंस टू निगेशन पी डिसजंक्शन क्यू, ओके। सो निगेशन ये एज इट इज रहेगा, यहाँ पे निगेशन पी मीन्स निगेशन ऑफ पी डिसजंक्शन निगेशन क्यू डिसजंक्शन पी कंजंक्शन निगेशन क्यू, ओके। सो दैट इज इक्विवेलेंस टू, अब हम इसके ऊपर निगेशन ऑपरेट कर सकते हैं, यहाँ पे लिख देंगे बाय कंडीशनल लॉ। अब हम इसके ऊपर निगेशन ऑपरेट कर सकते हैं बाय डी मॉर्गन्स लॉ, निगेशन पी डिसजंक्शन क्यू की जगह पे हम लिख सकते हैं निगेशन पी कंजंक्शन निगेशन क्यू, ओके। सो यहाँ पे हम निगेशन ऑपरेट करेंगे, निगेशन ऑफ निगेशन पी डिसजंक्शन निगेशन क्यू कंजंक्शन निगेशन ऑफ पी कंजंक्शन निगेशन क्यू, ओके, दैट इज इक्विवेलेंस टू निगेशन निगेशन कैंसिल हो जाएगा, पी डिसजंक्शन निगेशन क्यू, एंड यहाँ पे अगेन हम डी मॉर्गन्स लॉ, अगर हम यहाँ पे डी मॉर्गन्स लॉ यूज़ करेंगे तो ये हो जाएगा कंजंक्शन ऑफ निगेशन पी डिसजंक्शन निगेशन ऑफ निगेशन क्यू, ओके, दैट इज इक्विवेलेंस टू पी डिसजंक्शन निगेशन क्यू कंजंक्शन निगेशन पी डिसजंक्शन निगेशन निगेशन कैंसिल पी। सो यही हमें प्रूफ करना था, हेंस प्रूव्ड।
यहाँ पे हमारी एक्सरसाइज 1.4 कंप्लीट हो चुकी है। अब आप यहाँ तक पहुँच चुके, तो जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।